चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते हैं। ज्ञान ज्योति मात्र यही मैं हूँ, ऐसे श्रद्धा स्थापित होते हैं। फिर बार बार ये विचार नहीं करना पड़ता, जब तक आत्मा के निर्विकल्प अनुभूति नहीं होते तब तक ज्ञानियों ने बार बार विचार करने को कहा, और परम कृपालु देव ने तो यहां तक कह दिया कि कर विचार तो पाम, और ये कहा औषध विचार ध्यान। ये जो आत्मभ्रांति की ये बीमारी है, उस बीमारी से मुक्त होने का यही उपाय है, यही औषधि है, विचार और ध्यान। आज तक अज्ञानी ने आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति के लिए विचार ही नहीं किया, और ध्यान में डुबकी लगाने का वो प्रयास करता रहा और आत्मा का निर्विकल्प ध्यान हुआ नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतना डाल दिया गया है कचरा कि ध्यान में बैठो और तुम्हें आत्मा मिलेगा, और इसलिए ही तुम्हें ये आदत पड़ गई कि अब मुझे आत्मा को पाना है तो मुझे ध्यान में ही बैठना होगा। और ध्यान की परिभाषा तुम्हारी दृष्टि में यह है कि एक जगह पर पलाठी लगा करके शांति से बैठना, उसका नाम ध्यान है। और यदि इसी का नाम ध्यान होता, ज्ञानी को चालू प्रवचन में ही निर्विकल्प अनुभूति होती है। और ऐसी दशा आती है जब मैंने कहा कि युद्ध का मैदान, वो जो कुरुक्षेत्र वो सिद्ध क्षेत्र बन गया, अंतर में क्या प्रक्रिया चली होगी कि जिस प्रक्रिया के बल पर उन्हें परम विशुद्धि की प्राप्ति हुई। इसलिए सबसे पहले ये दिमाग में से बिल्कुल निकाल दे कि एक जगह बैठ करके अब मुझे ध्यान करना है, कैसे मैं आत्मा को पकड़ में लूं, मैं आत्मा को कैसे ग्रहण करूं, मैं आत्मा को कैसे जानूं, कैसे पकड़ूं, ये सब वृत्ति उस वृत्ति को निकाल दो। तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, सिर्फ तत्व विचार चलता रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाथ पर हाथ लगा करके ऐसे बैठोगे, मैं आत्मा, मैं जानने वाला, 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 तुमको कैसे पता चला कि मैं जानने वाला, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, तुमको कैसे पता चला कि मैं शुद्धात्मा। इसलिए जो भी तुमने सुना है उसको ही दोहराते, और जैसा सुनोगे जब निर्णय लेकर के ही अंदर गए तो आपको वही अनुभूति होगी जो निर्णय लेकर के गए हो। वो सत्य जो है वो सत्य साक्षात अनुभव में नहीं आएगा, कि पहले से ही वो धारणा दिमाग में बांध ली है कि मैं ऐसा हूं, 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 वही विचार चलता रहे तो
ऐसा हो जाता है, श्रद्धा में तो हो ही जाता है। एक आदमी को किसी ने कहा कि तू विचार कर, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। अब यही विचार 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 बार बार करते करते करते, अब उसकी वृत्ति भी ऐसी ही होने लगी। जैसा विचार लेकर जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे, मगर वो तो तुम्हारे विचारों का ही परिणाम मिला, सत्य तुम्हें कहां मिला? ये जो तुम सुनकर के गए थे वो सुना हुआ ही इतना गाढ़ हुआ, मगर सत्य सामने जो है उसका दर्शन तुम्हें कहां हुआ? उसका दर्शन सिर्फ निष्पक्ष होकर के तुम विचार करो, और वही मध्यस्थ भाव है। मैं नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, और मैं नहीं जानता कि मैं शरीर हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, और कुछ भी नहीं जानता ये विचार करके अब आत्मा हूं या शरीर हूं मैं खोज करूं, मैं कौन हूं? वो पूरी तरह से खाली होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो साक्षात चैतन्य तत्व जो है उसकी अनुभूति के लिए, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है वो आत्मा, तुम्हारे लिए नहीं है, जिन्होंने पाया उनके लिए है। तुम्हारे लिए तो ये वाणी ही है और कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए वो नहीं है। जिन्होंने ऐसा अनुभव किया उसके लिए, और इसलिए ये समय सार में कहा कि अज्ञानी है वो रागादि भावों का करता है, और ज्ञानी है वो रागादि भावों का अकर्ता है। राग नहीं करता ज्ञानी। अब अज्ञानी का आत्मा भी राग रूप परिणमित तो नहीं होता, वो शुद्ध चैतन्य तत्व तो सदा शुद्ध ही है। वो राग में पलट जाए तो फिर कभी शुद्ध होगा ही नहीं, मगर फिर भी ये कहा कि तुम राग के कर्ता हो, ये राग तुम्हारा है, तुम्हें राग हो रहा है, तुम मलिन हो, ये कहा। इसलिए कृपालु देव ने कहा अकर्ता हो, मगर कब? वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय, तब अकर्ता, जब वृत्ति निज भाव में अर्थात अपना उपयोग जब अपने में अंतर्मुख हुआ, और तब अकर्ता भाव प्रकट हुआ, और वो अकर्ता हुआ। तुम अकर्ता नहीं हो, इसलिए पलाठी लगा करके बैठ करके मैं अकर्ता मैं अकर्ता मैं अकर्ता ये तुम मत करना, क्योंकि वो पुनरावर्तन होगा और अनुभूति तुम्हें नहीं होगी। अभी तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के खोज करता हूं कि क्या हूं मैं। और कोई भी सदगुरु तुम्हें यही कहेगा कि तुम खोज करो, मेरे कोई भी शब्दों को लेकर के तुम उसको दोहराओ मत विचारों में। मैंने एक बार कहा कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, अब तुम मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये दोहराओ मत, अनुभूति नहीं होगी। लगेगा अच्छा, मीठा लगेगा, कषाय मंद भी होंगे, मगर अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि निर्णय लेकर के ही तो तुम जाते हो कि मुझे पता है मैं कौन, मुझे कुछ भी नहीं पता। और फिर तब यहां जो सत्ता स्वरूप जो है उसमें जो भी हो रहा है वो आपको यहां पर प्रत्यक्ष जो हो रहा है उस पर आपका ध्यान जाएगा। पहले से निर्णय लेकर के गए कि मैं ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा हूं, अब तुम उसका निर्णय दृढ़ करके मैं ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा हूं, ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा हूं, अनुभूति नहीं होगी। वो सुना हुआ ही है, उसका पुनरावर्तन होगा। यदि सुना हुआ है उसका पुनरावर्तन ही होता है तो ज्ञानी फिर ये क्यों कहते हैं कि मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा नहीं है? फिर वो बोलते ही क्यों है जब उनकी बात को मानना ही नहीं है, और अपने में अंदर में जाकर के अनुभव करना है,
अपने अंदर जाकर के ही सत्य का स्वीकार करना है, वाणी को सुनकर के वाणी को मानना ही नहीं है, तब फिर ये बोलते भी क्यों हैं? उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं और शरीर मेरा नहीं। वे बोलते इसलिए है, उन्हें अंतर में ऐसा अनुभव में आया है, ये मेरा अनुभव ऐसा है, ऐसा वे कहते हैं। और वो खास कहते हैं कि तुम भी अपने अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के प्रारंभ में ही ये लिखा कि तुम, मैं आत्मा हूं जो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उसे ऐसे ही मत मान लेना, निज अनुभव से, स्वानुभव से तुम उसका स्वीकार करना, और वो भी तुम्हें अनुभव में आए तो, वरना मत करना। एक एक व्यक्ति को मैं मिलता हूं कि मैं कौन हूं, एक एक व्यक्ति मुझे कहता है मैं आत्मा हूं, दूसरे को पूछा मैं आत्मा हूं, तीसरे को पूछा मैं आत्मा हूं, छोटा छोटा बच्चा भी ये बोल देता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दुनिया बहुत धार्मिक हो जाती यदि आत्मा हूं ये सबको पता है, ये सबको पता है तो इतना दुख क्यों है सबके जीवन में? इतने लोग सामने बैठे और सबको पता है कि मैं आत्मा हूं तो दुख क्यों हो रहा है? सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, सिर्फ रटा हुआ है कि मैं आत्मा हूं, पता नहीं है मैं आत्मा। बचपन से जो दिमाग में किसी को डाल दिया गया था कि ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि मैं आत्मा हूं, स्वयं को कोई अनुभव नहीं। उससे एक भ्रम पैदा हुआ, उससे एक तसल्ली मिली तुम्हें कि मैं थोड़ा धार्मिक हूं, थोड़ा तो धार्मिक हूं, बाकी लोगों से मैं थोड़ा अलग हूं क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा हूं। गहराई से देखोगे तो पाओगे कि स्वयं की कमाई कुछ भी नहीं है, किसी की कमाई को अपनी जेब में रखा है और बार बार देख करके खुश होते हैं कि देखो मेरे पास में कितना धन है, मगर वो खुद का कुछ भी नहीं है। किसी ज्ञानी ने अनुभव किया कि मैं आत्मा हूं और उनके मुंह से निकला कि मैं आत्मा हूं, तुमने वो सुन करके अपनी जेब में रख दिया और दूसरों को दिखाते रहते हो, जरूरत पड़ती है तब देखो मेरे पास में है ये कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के लिए पूरी तरह से प्रामाणिक हो जाना बहुत जरूरी है, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। कि निर्मल पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, शुद्ध निर्मल ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है, मलिनता, कपट, माया, ऐसे ये मलिन भाव को लेकर वह चैतन्य परमात्मा दर्शन नहीं देता। इसलिए इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ और साहस चाहिए। जो भी दिमाग में डाल दिया गया है आज तक, अब तक जो भी तुम्हें याद है, तीर्थंकर 24 है, यहां आकर मैंने जाना, यहां आकर मैंने जाना, उसको एक और रख। मैं नहीं कहता कि नहीं थे और मैं ये भी नहीं कहता कि थे, उसको एक और रखो। मैंने नहीं जाना, मैंने सिर्फ सुना है। मैं सच कहता हूं आपको कि यदि इतना साहस तुम में आ जाए तब फिर तुम जैन नहीं रहोगे, तब फिर तुम जैन नहीं रहोगे,
क्योंकि वो आग्रह ही मिट गया कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो इतना सुना था। और सच तो यही है, मन को तसल्ली देने के लिए मनुष्य इतना चालाक है कि तरकीब निकालता है तरह तरह की। सच तो यही है, मेरा यहां आना हुआ उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि तीर्थंकर 24, तीर्थंकर का ही नहीं पता 24 या 26, ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता। इस जो भी यहां से मिला है मुझे, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब यहां से इकट्ठा किया हुआ सब एक और रखने की जिनको तैयारी आती है अंदर से, वो साहस आता है, उन्हें वो साक्षात चैतन्य तत्व अब दर्शन देता है, क्योंकि यहां से इकट्ठा किया हुआ वही उसके बीच में आवरण बन रहा था, वो आवरण हटा। बहुत बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि जिस भीड़ के बीच में तुम रहते हो, जिस मंदिर में तुम जाते हो, और जहां जाकर के तुम कहते हो कि मैं महावीर भगवान को जानता हूं, मैं 24 तीर्थंकर को जानता हूं, और तुम कह दो कि मैं कुछ भी नहीं जानता 24 तीर्थंकर के बारे में, तो भीड़ से अलग हो जाओगे। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत से मंदिरों में मैं जाता था, मगर जब मैंने ये कहा कि मत कहो तब तक कि परमात्मा को मैं जानता हूं, जब तक तुम्हें अनुभूति नहीं होती मत कहो कि मैं महावीर भगवान को जानता हूं, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सिर्फ सुना है, तुमने इकट्ठा किया है, तुम नहीं जानते हो। सब झूठे हो तुम, जो बोलने वाले ये सब झूठे हो कि मैं भगवान को जानता हूं, सिमंदर भगवान को जानता हूं, महावीर भगवान को जानता हूं, सब झूठे हो। दूसरी बार से उन्होंने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया, प्रवचन का आयोजन ही बंद कर दिया। ये आदमी बहुत खतरनाक है, कैसी बात करता है, ये सत्य रुचिकर नहीं लगता। मगर जब दोबारा वे मुझे मिले तब भी उन्होंने दावा किया कि आपने उस दिन वो जो झूठ बोला था, इसके लिए आपका प्रवचन बंद करवाया था। ऐसा झूठ बोलते हो, हम तो सब भगवान के बारे में जानते हैं। मैंने कहा आज भी कहता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हो। यदि तुमने भगवान को जाना होता, अरिहंत भगवान को तुमने जाना होता, तुम अज्ञानी होते। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में क्या लिखा है, जो जानति अरहंतम दवत गुणत पजयते ही, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, सो जानति अपान, वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह लय को प्राप्त होता है, मिथ्या को छूट जाता है। वो नियम है, तुमने पढ़ा नहीं 80वीं गाथा में कि अरिहंत को जो जानता है वो अपने को जानता है, अपने को जानता है उसका मोह छूट जाता है, वो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। और तुम यदि मिथ्या दृष्टि हो तो तुमने अरिहंत को जाना नहीं, तुमने भगवान को जाना ही नहीं। मगर सत तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई कहे कि 24 तीर्थंकर के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे दिमाग में यह डाल दिया गया, ठसा दिया गया और इतना अंदर में गहराई में जा चुका है कि अब निकलना बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ भी नहीं जानता, एक छोटे बच्चे की भांति। एक छोटे बच्चे की भांति हो जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तब तुम बिल्कुल कोरे साफ होकर उस स्वरूप की अनुभूति होगी। ऐसा नहीं, अनुभूति के लिए तुम अब पात्र हुए, जब तुम पात्र हो। पहले प्रामाणिकता तो, गांधी जी को बुढ़ापे में भी ऐसे ऐसे बुरे भाव होते थे और उन्हें स्वीकार किया उन्होंने लिखा
उन्होंने स्वीकार किया कि मुझ में ऐसे दोष है, अभी है, प्रामाणिकता तो है, इतनी प्रामाणिकता तो बताई कि अभी ऐसा जैसा हूं मैं ऐसा हूं। मगर जो त्यागी तपस्वी शास्त्रों को पढ़ करके इकट्ठा किया है ज्ञान जिसने, पंडित, वो स्वीकार भी नहीं कर पाता कि मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता। जितना भी तुमने इकट्ठा किया है, नया प्रकट होना ये तो सहज होता है, पुराना जो इकट्ठा किया हुआ है वो निकलना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने पहले दिन ही आपको कहा, मैं आपको दूंगा कुछ भी नहीं, जो भी लेकर के आप आए हो वो छीन लूंगा, और जब मैं जो छीन लूंगा तो उसके पीछे ही जो था वो आपको दिख जाएगा, और जो लेकर के आए हो झूठा ज्ञान, उधार ज्ञान, वो छीनना चाहता हूं कि मैं कुछ जानता हूं, ऐसा उधार ज्ञान वो छीनना चाहता है। इस इतना ही मेरा प्रयोजन है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कितने भी शास्त्रों को मैंने पढ़ा, पर जब तक मेरा स्वयं का निर्णय ना हो तब तक जितना भी सुना हुआ है वो निर्विकल्प अनुभूति का कारण नहीं बनता। उसे उसी कक्षा में रखना, यहां जैसे जन्म हुआ हो, बचपन से इन्हीं गलियों में घुमा हो, ज्ञान में वो ऐसा स्थापित हो जाता है, फिर उसे अनजान गांव के रूप में देखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। भूतकाल की जितनी भी धारणा को लेकर के यहां बैठे वो धारणा को निकालना, ये सब धारणा, तब तुम भूल जाओगे तुम्हारा बाप कौन, तुम्हारी मां कौन, क्योंकि देह को ही भूल जाओगे। ये भी जब ऐसा अनजान परमाणु जैसा लगता है तब फिर कौन, और उनके साथ उनके संबंध में जो भी व्यवहार होगा तुम्हें उतना ही पराया दूर का दिखाई देगा। यही सच है, सत्य तो यही है कि कुछ भी नहीं जानता। मगर अहंकार की जो पकड़ है वो पकड़ इतनी है कि स्वीकार नहीं कर पाती कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसलिए बुढ़ापे में बूढ़े लोगों का अहंकार बढ़ जाता है। बच्चे को वे कहते हैं तुम नहीं जानते, तुमसे ज्यादा दिवाली हमने देखी, हम बहुत जानते हैं, आवाड़ माथा ना, आम नाम सफेद नहीं थे ही गया। आखिर जिंदगी में जो ही है वो अहंकार, इतना अहंकार कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि मैं कुछ भी नहीं जानता। दिन प्रतिदिन अहंकार बढ़ता जाता है, चुप कर देते हैं वे बच्चे को, और कभी कभी ऐसा ही होता है कि बच्चा बहुत सच्ची बात बोल देता है मगर डरा करके धमका करके उसे ऐसा चुप कर दिया जाता है, तरह तरह के ऐसे तर्क दे करके, तुम्हें अभी तजुर्बा नहीं, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम छोटे बच्चे हो। बचपन से ही मैं एक आदमी को जानता हूं, उसके घर पर बड़े बड़े संत महात्मा आते और मैं उनके घर पर चला जाता और संत महात्मा को ऐसे ऐसे प्रश्न करता अनुभूति के बारे में, तो उन्हें कुछ उत्तर आते नहीं,
तभी इनको बुरा लगता। वो हमेशा कहते कि वैसे तुम मेरे घर पर कभी भी आ सकते हो, मगर कोई संत महात्मा है तब मत आना मेहरबानी करके। और देश के बड़े बड़े संत उनके वहां पर ठहरते, बाकी के दिनों में तुम आ सकते हो मगर संत महात्मा आए तब नहीं। और जब संत महात्मा आते तब मैं खास जाता, बाकी के दिनों में जाता ही नहीं। और तभी मैं उनको ये सब प्रश्न पूछता कि क्या आत्मा है। बचपन में मैं उनसे पूछता क्या आत्मा नित्य है, पर उनकी आंखों में कोई ऐसा सत्य नहीं पाया जाता। अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता। जिनके घर पर मैं जाता वो मुझे कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बच्चे हो, ये जो बात बता रहे संत महात्मा वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगी। हर बार मैं उनके घर पर जाता, अभी थोड़े महीने पहले ही मैं गया, मरने की तैयारी पर थे, अब तो कोई संत महात्मा वहां नहीं थे, वे अकेले थे, मैं उनके वहां गया। मैंने उनको पूछा ये बड़ा कब होऊंगा मैं, हर बार आप मुझे बोलते आए हो कि बड़े होगे तब समझ में आएगा, ये बड़ा कब होऊंगा, कितने बरस में वो बड़ा होता है आप वो तो बताओ। आंख में से आंसू बह रहे थे, अंत में इतना पश्चाताप हो रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, पूरी जिंदगी मेरी व्यर्थ में गई। मरते मरते उन्होंने इतना तो स्वीकार किया, प्राण त्याग दिए, कुछ भी नहीं पता था, इन सब की बातों को सुन सुन कर गई, भगवान है भगवान है भगवान है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा स्वयं का कोई अनुभव नहीं। हे ज्ञान दीपक, किसी भी गुरु की बात को तुम मत मानना, तीर्थंकर की बात को मत मानना, तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण होगा। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे लिए प्रमाण होगा। भ्रम पैदा हो सकता है, उस भ्रम में से मुक्त होने के लिए आज मैं तुम्हें तुम्हारा 49वां बुधामृत परोसता हूं। छोटा सा बोधामृत, कुछ ही अक्षरों का है, शब्दों का भी नहीं, कुछ ही अक्षरों का है, मगर ये बोधामृत बहुत महत्वपूर्ण है। बोधामृत है, तत्व विचार करना, तत्व विचार करजे, इतना सा बोधामृत एक वास्तविक जीवन की प्राप्ति का कारण बन सकता है, अमृत जीवन की प्राप्ति का कारण बन सकता है। तत्व विचार करना, विश्वास मत करना,
विचार करना और तत्व का विचार। तत्व, तत्व शब्द है वो भी बहुत प्यारा शब्द है। तत्व में भी दो शब्द है, एक तत् और दूसरा त्व। तत् त्व, तत् माने वह, वह, और त्व माने पना। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा है वैसा उसका नाम तत्व, एज इट इज। जैसा है ऐसा वही तत्व, जिसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वही तत्व है। और उसके संबंध में विचार करना। ज्ञानियों ने यह तत्व विचार की महिमा बताई है। कोई जीव देवादिक की प्रतीति करे, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि करे, तपश्चरणादि करे, परंतु तत्व विचार न करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। और कोई जीव देवादिक की प्रतीति न करे, शास्त्रों का अभ्यास न करे, व्रतादि न करे, तपश्चरणादि न करे, परंतु तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी है। ऐसा यह तत्व विचार क्या है उसके संबंध में मैं कुछ कह सकूं। तत्व विचार, घटना किसी भी प्रकार की घटित होती हो, मगर उस घटना में वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए स्वयं की सत्ता की जागृति किस प्रकार से रहे। जब तत्व विचार तत्व विचार की धारा जब चलती है, भेद विज्ञान तत्व विचार की धारा चलती है, तब क्या होता है? जैसे आप प्रयोग करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। आप कोई काम कर रहे हैं, रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, और किसी ने आपको कहा कि चलो बाजार में घूमने जाते, आपने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं रोटी बना रही हूँ। एक कार्य में आप इतने व्यस्त हैं, इतने तन्मय हैं, तल्लीन हैं कि आप जाते नहीं। समय तो होना चाहिए, समय ही नहीं है आज मेरे पास। आज मैं सुबह से इतनी काम में हूँ कि आज समय नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँ। तत्व का जब विचार चलता है, उस विचार की धारा ही ऐसी चलती है, और तब किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम्हें गुस्सा करने के लिए भी समय नहीं है। कहाँ है समय? अभी मैं गुस्सा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यहाँ तत्व विचार चलता है, ये भी विचार तुम्हें उस समय नहीं आएगा कि मेरे पास समय नहीं है। तुम अपने तत्व विचार में ही इतने व्यस्त रहोगे कि तुम्हारा ध्यान ही वहां नहीं जाएगा। उसने जो कहा, क्या कहा, उसके लिए भी तुम्हें, उसका विचार करने के लिए भी तुम्हारे पास में समय तो होना चाहिए, स्पेस तो होना चाहिए, गैप वहां पर होना चाहिए कि जो तुम्हें अवकाश दे वो विचार करने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, निर्विकल्प अनुभूति से पहले जो मैं कहता हूं, असंख्य समय तक तत्व विचार चलता है।
शीतुल परिणाम नहीं, ये सब तुम्हें सुनाई देता है ऐसा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, आत्मा का मोक्ष है, आत्मा के मोक्ष का उपाय है। यहां सब तो आत्मा आ गया, तब जिसने अनुभव ही नहीं किया वो क्या जानेगा, जब आत्मा का ही उसे कुछ पता नहीं। यहां से थी, उत्तर से ही तो शुरुआत की, मगर उत्तर से पहले शंका थी, क्या आत्मा है, पहले शंका, मैं आत्मा हूं वहां से नहीं, मैं कौन हूं वहां से शुरुआत। पर इसलिए ये छह पद जो है वो शंका का ही समाधान है। आपने सुना होगा मगर कभी ये विचार नहीं आया होगा, बहुत बार सुना होगा, बोला होगा, पाठ किया होगा। कृपालु देव ने लिखा, हूँ कौन छु, क्या थी थयो, शु स्वरूप छे मारू खड़ो, कोना संबंधे वड़गणा छे राखु के ए परिहर। ये कहा, हूँ कौन छु, क्या थी थयो, ये क्या है, ये अंदर में पहले ये जिज्ञासा इतनी उठती, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उत्तर नहीं लेकर जाना, मैं आत्मा हूं, मैं कौन हूं, वहां से शुरुआत हो। कभी तुम्हें वो दिखाई नहीं देता, और उसका ही वो है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसका उत्तर मिला कि मैं आत्मा हूं, आत्मा छे, हूं कौन छु, तो के आत्मा छे, क्या थी थयो, तो के थयो नथी, आत्मा नित्य छे, नवो थोड़ो उत्पन्न थयो छे, ये तो पहले थी छे, तो हूं कौन छु एनो जा उत्तर छे, आत्मा छे, क्या थी थयो एनो त्या उत्तर छे के आत्मा नित्य छे, शु स्वरूप छे मारू खरु, के ज्या सुधी अज्ञान दशा त्या सुधी कर्मनो करता ने कर्मनो भोगता छे, वृत्ति वही निजभाव मा तो थयो अकर्ता त्याय, अने आ वड़गणा ने बधु शु छे, आ राखु के छोड़ू, आ बंधन ने मुक्ति, मुक्ति ने बंधन नी वात पण आवी, आ बंधन वड़गणा, अने वड़गणा थी छूटवू, परिहरू, परिहरू ये मोक्ष छे, अने एनो उपाय पण छे, ये हूँ कोण छू, क्या थी थयो, ये बद्दी जे शंकाओ जे छे एनुं ज आगळ समाधान छे। पर तमारी पासे तो पहलेथी ज समाधान मळी गयुं छे, एटले अनुभूति क्यारेय नहीं थई। जब भी तुम खोज करोगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, विचार से शुरुआत, इसलिए एकेंद्रिय जीव को दो इंद्री, त्रीन इंद्री, चार इंद्री और असंगनी पंचेंद्री, वे भी परमात्मा है मगर उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। आत्मा है तो सभी आत्मा को सम्यक दर्शन होना चाहिए मगर उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। उसका एक ही कारण है कि मैं आत्मा हूं, ये जो स्वीकार करना, वो स्वीकार करने से पहले वो तत्व विचार चलता है और तत्व विचार में मन निमित्त है, मन के माध्यम से विचार चलता है। जैसे आंखों के माध्यम से ये देखने का काम हो रहा है, कान के निमित्त से ये सुनने का काम होता है, ऐसे ही मन के निमित्त से, मन हो दिमाग नहीं, माइंड ब्रेन नहीं, दिमाग यहां पर है पीछे और मन यहां पर है, मन से, क्योंकि जो विचार जो है उसमें जो निमित्त बनता है वो मन, मन मगज नहीं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी दिमाग होता है मगर उन्हें मन नहीं होता, मगज तो वही छे पर मन नहीं होतो। मन के लिए नियम है कि पांच इंद्रिय जिनको हो उन्हें ही मन होता है और वे ही विचार कर सकते हैं, और विचार किए बिना अनुभूति होती नहीं, इसलिए संगनी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन होता है।
ये विचार का बल, विचार किए बिना, वरना सबको हो जाता। सुनकर के ही यदि हो जाता तो असंगनी सुन तो सकते हैं, असंगनी पंचेंद्रिय सुन सकते हैं मगर सोच नहीं सकते, मगर उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। विचार बहुत जरूरी है, विचार के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। और विचार को ही अनुभूति मान लेना ये भी ठीक है, उसका भाव क्या है। ये जो विकल्पात्मक विचार है, विचार को ही अनुभूति मान मत लेना। कांटा लगा है तो कांटा डालना जरूरी है और कांटा डाल करके उस कांटे को निकालना भी जरूरी है। ऐसे ही ये विचार निर्विकल्प अनुभूति के लिए ये विचार आते हैं। जब एक ऐसी दशा आती है तब ये भेद के लक्ष्य से होने वाला जो विचार है, जो विकल्प रूप है, वो मिट जाता है। और अभेद के लक्ष्य से विचार का कार्य चलता है। विचार को दो प्रकार से कर, एक विचार जो है वो विचार विकल्प और विचार दोनों को एक मत मानना। इसलिए बहुत से लोग ऐसा समझ लेते हैं कि विचार बिल्कुल छूट जाएगा तभी निर्विकल्प होगा, क्योंकि ज्ञानियों ने ज्ञान को विचार कहा है। छद्मस्त जीव का जो वर्तमान में ज्ञान का जानना 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 हो रहा है उसे ही विचार कहा, ज्ञान का ही परिणमन उसे विचार कहा। विचार करना तत्व विचार। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जब ये विचार चलता है और वह भी सहज चलता है, जबरदस्ती नहीं, विचार धारा ही ऐसे चलती है, आंख खुली हो, सामने पदार्थ आंख के सामने संपर्क में आते हो, मगर यहां अंतर में ये जागृति स्वयं की परिपूर्ण चैतन्य सत्ता की यहां जागृति, तत्व विचार, कर विचार तो पाम औषध विचार ध्यान। साधना की जो शुरुआत होती है वो विचार से होती है। और साधना सफल होती है वो ध्यान से होती है। इसलिए विचार
से शुरुआत और ध्यान से उसकी पूर्णता कही। इन दोनों वाक्य शब्दों में औषध विचार और ध्यान। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व जो पांच लब्धि है उनमें पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि और पांचवी लब्धि करण लब्धि। पहली क्षयोपशम लब्धि है वो विचार से संबंधित है और करण लब्धि है वो ध्यान से संबंधित है। उसका भाव कि क्षयोपशम से करण तक एक ऐसी दशा में करण लब्धि में, करण का मतलब परिणाम, स्वरूप के सन्मुख अब परिणाम ऐसे होना कि वो ध्यान में रूपांतरित हो। फिर इस संबंध में विचार नहीं करना पड़ता, फिर दर्शन प्रकट हुआ, इसलिए हमने सम्यक दर्शन कहा। दर्शन माने दिखाई देता है, इसका दर्शन का अर्थ तो ऐसा ही होता है, दर्शन माने दिखाई देता है, सत्य अब दिखाई देता है। उसका अर्थ लिया है श्रद्धा, कि दर्शन शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। दर्शन माने श्रद्धा, जैसा है ऐसा दिखाई देता है, अर्थात जैसा है ऐसा उनकी दृष्टि में उनके मानने में आया, जैसा है वैसा। प्रति समय ये जागृति रहे, तत्व विचार के बल पर घटना कोई भी घटित होती है और उस घटना में मैं कहाँ पर हूँ ये विचार चलता रहे। विचार है वो विचार अनुभूति में रूपांतरित होता है। जिस समय अनुभूति में रूपांतरित होता है उस समय ऐसा विचार नहीं आया जैसा पूर्व में आता था। जैसे किसी व्यक्ति को ये विचार आए ऐसा विचार आए कि मुझे इसको मारना है, इसकी हत्या करना है, इसकी हत्या करना है, इसकी हत्या करना है, हत्या करना है, हत्या करना है, यही विचार आए। और जिस समय वो चाकू मारता है, हत्या करता है, उस समय हत्या करना है, हत्या करना है, ऐसा विचार नहीं आता, वो विचार का ही परिणाम आ गया। इसलिए ऐसा कोई कार्य कि जो तुम्हें सचमुच नहीं करना तो उस कार्य को करने का विचार भी मत करना, क्योंकि विचार यदि करोगे तो विचार अंदर में वो गुप्त रूप से वो कार्य करता रहेगा और वो अंत में ऐसा परिणाम लाएगा कि वो कार्य में रूपांतरित हो जाए। शुरुआत वहां से होगी, विचार विचार। ताजमहल जो बना, आगरा में बना, उससे पहले कागज पर बना, और कागज पर बना उससे पहले शाहजहां के विचारों में बना। विचार से ही वो शुरुआत हुई, फिर आगे जो भी हुआ वो विचार का ही ये परिणाम कि विचार इतना सघन होता गया, इसलिए विचार विचार कर। मैं आत्मा हूं ये स्वीकार मत कर, मैं कौन हूं ये विचार कर, और ये विचार का परिणाम अंतर में आएगा, अंतर में तुम्हें समझ में आएगा कि जो विचार चले, जागृति होश आए और ये सत्य का दर्शन न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए विचार से ही ये शुरुआत है।
जब ये विचार चलता है तब वो कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ, और जब कार्य रूप परिणमित परिणमन होता है तब उस समय वो विचार नहीं चलता, वो विकल्प मिट गया, विचार जो विकल्प रूप था वो मिट गया। तरह तरह के विचार, कोई सेना में किसी पर गोली छोड़ना है, विचार नहीं करना होगा। वहां पर उसे यही सिखा दिया जाता है, यदि उसको कहा कि बाएं मुड़ और वो कहे कि बाएं में मुड़ू तो क्यों मुड़ू, नहीं, वो एक मशीन की तरह हो गया। इसलिए सेना में जो भर्ती हुआ वो इतना जड़ हुआ, वो जड़ता है वो ज्यादा खतरनाक है, वो किसी पर गोली छोड़ता है वो गोली छोड़ता है वो इतना बड़ा खतरा नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं। उसमें वो जो जड़ता इकट्ठी हो गई है कि मैं बाया घूमू तो क्यों घूमू, दाया घूमू तो क्यों घूमू, गोली मारू तो क्यों मारू, किसको मारू, वो विचार ही नहीं, तुम्हें गोली मारनी, वो जड़ता ज्यादा खतरनाक है, वो विचार मर गया, वो विचार ही मर गया। विचार जो करता है वो सेना में काम नहीं कर सकता। एक आदमी को ऐसे ही भर्ती करा दिया सेना में, और वो गया और उसको पूछा कि तुम काम करोगे यहां सेना में पक्का, बोले हाँ करूंगा, कह दिया बाए मुड़। तो उसने फिर यही प्रश्न किया कि क्यों मुड़ू, क्या मिलेगा। जिसने भर्ती किया उसने सोचा कि इसको यहां रखने जैसा नहीं, कि ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, बार बार ये विचार करता है, पूछता है। तो वहां का जो लीडर था उसने सोचा एक काम करते हैं, अब इसको मशीन गन तो हाथ में देना ये उचित नहीं, क्योंकि बार बार ये पूछता है ऐसा क्यों, उसने क्या बिगाड़ा, ये विचार करता है, विचार करता है, गोली मार ही नहीं पाता, घूम ही नहीं पाता तो गोली कैसे मारेगा। उन्होंने सोचा एक काम करते, भोजनशाला में उनको काम में रख देते, सैनिकों की भोजनशाला थी तो वहां पर उसको काम दे दिया, मटर थे वटाणा, तो कि एक काम कर वटाणा ने छुट्टा पाड़ी दे, मोटा वटाणा अलग करी दे, नाना वटाणा अलग करी दे। काम सौंपी ने लीडर तो निकल गया, थोड़ी बार पछी इंस्पेक्शन करवा गया कि कितने काम पहुंचे, वहां जाके देखा तो कुछ भी नहीं, जो मटर जैसे पड़े थे ऐसे ही पड़े थे। लेकिन तूने काम नहीं किया, मैंने कहा था कि बड़े मटर और छोटे मटर दोनों को अलग कर दो। तो उसने कहा इसमें कुछ मटर ऐसे हैं जो न बड़े हैं न छोटे हैं, उनका क्या करना है, अब वो मैं विचार कर रहा हूं। विचार ही इतना चल रहा है कि वो काम नहीं कर पाता। विचार करो, यदि तुमने किसी को, किसी के प्रति तुम्हें क्रोध का भाव आया, तुम विचार करो कि क्रोध के काल में तुम्हारी हालत क्या थी। गुस्सा आया तब ध्यान पूरा सामने वाले व्यक्ति पर है, जैसे किसी ने तुम्हें गाली दी, पूरा ध्यान तुम्हारा उस पर चला गया कि उसने मुझे गाली दी, और तब क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी ध्यान दूसरों पर केंद्रित होगा यहां विकार होगा, यहां विकार का भाव होगा, क्योंकि पर के लक्ष्य से तो विकार ही होगा, और तुम्हारा लक्ष्य अटेंशन पूरा उसकी ओर है।
कि उसने मुझे ये कहा। और जब तुम निरीक्षण करो कि उसने मुझे, जब उसने गाली दी तब उसकी ओर मत देखो, गाली दी और तब गुस्सा आया तब गुस्से की ओर पहले देखो कि गुस्सा आया ये भाव, और फिर उस भाव से भी भेद ज्ञान, ये तत्व विचार। और जब तुम्हारा ध्यान वहां से हटा क्रोध पर गया, तब भी क्रोध मिटेगा नहीं, क्योंकि क्रोध के लक्ष्य से भी क्रोध नहीं मिटता, मगर तुम्हें स्वरूप समझ में आएगा कि क्रोध ये तो एक प्रकार का पागलपन है। मनोवैज्ञानिक ने कहा गुस्सा है वो कुछ समय का पागलपन है, कुछ पागल पागलखाने में है जो लंबे काल के लिए पागल है, और कुछ कम काल के लिए पागल है जब क्रोध का भाव है। जब क्रोध का भाव आया तब तुम्हें अंतर में ये विचार चला कि ये क्रोध का स्वरूप है, ऐसा ये क्रोध का स्वरूप है, ये तो कैसा पागलपन है। अपने पागलपन पर ही तुम्हें ये विचार आएगा, और ये विचार ये वो भाव ऐसा नहीं रहेगा, भाव बदलेगा, और तब तुम देखोगे अरे ये भाव तो देखो कहां गया, कहां विलीन हो गया, अभी तो ये क्रोध था और कहां चला गया। मगर जो नहीं गया वो कोई है यहां जो जान रहा है कि थोड़ी देर पहले था और अब वो नहीं रहा, वो दोनों को जानने वाला कोई है, वो कौन है? वो तो है यहां कि अभी तो ये भाव था और अब तो चला गया, वो कौन है? और उसमें तुम चैतन्य सत्ता को पाओ, तब फिर वो जो कम हुआ कहां गया ये सब भाव छूट जाएगा। तुम्हारा यहां आना सफल हुआ। इन परमाणुओं के बीच में तुम्हारा रहना सफल हुआ। और तब पूरी हिस्ट्री पूरा इतिहास साफ हो गया, वो तुम्हारा स्वयं का अनुभव हुआ। यहां पर अभी छोड़ो उन्हें, अब छोड़ो, यहां पर ही भेद ज्ञान तत्व विचार करके। कल का अखबार तुम अब पढ़ते नहीं, कल का अखबार है छोड़ो। अब मैं तुमसे कहता हूं कल का अखबार नहीं पढ़ते, हजारों बरस पुराने शास्त्र को रट रट करके तुम अपने को धर्मी क्यों मानते हो? छोड़ो उसे, अभी जो भाव हुआ क्रोध का, अभी उससे भेद ज्ञान करो। और परिवर्तन पाओगे तुम अपने। तुम अपने में पाओ तो कर लो। शास्त्र को रटे हुए हैं इसलिए तुम्हें भ्रम पैदा हो गया कि मैं थोड़ा जानने लगा, मगर प्रयोग कुछ भी नहीं हो पा रहा। पड़ोसी के घर में आग लगी, कोई व्यक्ति उसका पता भी लगाता है अखबार को पढ़ करके, कैसा लगता है कि वो मूर्ख है क्या? कहता है अखबार पढ़ा नहीं, पता नहीं पड़ोसी के घर में आग लगी है उसका मुझे पता नहीं, मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। पड़ोसी के घर में आग लगी उसका पता नहीं, उस व्यक्ति पर हमें आश्चर्य होता है, हंसी आती है कि जो कहे कि मैंने अखबार पढ़ा नहीं कि पड़ोसी के घर में आग लगी। मगर यहां पर ये क्रोध का भाव है वो बुरा है, वो पता हमें चलता है शास्त्रों को पढ़ करके। कितना बड़ा आश्चर्य है, शास्त्र में पढ़ा कि क्रोध बुरा है तो स्वीकार किया हाँ क्रोध बुरा है। कितना उधार, तुम्हारा यहां आना और बैठना इसके लिए ही है कि तुम जिसके लिए तुम आए हो उसकी प्राप्ति तुम्हारे अंतर से ही होगी,
और जिसको सुनने आए हो उन्हें निकट काल में ही तुम छोड़ देना। मेरा इतना ही प्रयोजन है, यही मेरा कहना है। मैं यही चाहता हूं तुम सिद्धों का सुख भोगो। उधार छोड़ो, तत्व विचार करो। हे ज्ञान दीपक, तुम तत्व विचार करना। लोक में तत्व विचार मत करना, अध्यात्म में तत्व विचार करना। लोक में तो एक खेल की तरह खेल लेना, खेल दो व्यक्तियों की सहमति पर खेला जाता है। खेल में ऐसा ही है, कोई शतरंज खेलता हो, ये कहे ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये वजीर है, और सामने वाला कहे कि मैं मानूंगा ही नहीं कि ये राजा है, ये राजा कहाँ है, तो खेल एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। खेल के लिए दोनों की सहमति चाहिए। हाँ राजा है तो दूसरा भी कहे कि हाँ राजा है, झूठा है, मगर खेल है ना, खेल है तो खेल में खेल लेना। और वो खेल है उस पर विचार मत करना कि ये राजा तो ऐसा होता नहीं, उसमें दो हाथ होते हैं पैर होते हैं, यहाँ तो दो हाथ पैर जैसा कुछ भी नहीं, और हाथी के तो चार पैर है, और यहाँ तो हाथी का कोई पैर ही नहीं दिखता, एक ही पैर दिखता है, और हाथी तो कहीं नहीं दिखता। तो ऐसे ही तरह तरह के विचार आएंगे यदि विचार करके स्वीकार करोगे। खेल में विचार मत करना, खेल का ये नियम है विश्वास करना, विश्वास करना। खेल का ये नियम कि विश्वास करना, और जिंदगी से बड़ा कोई खेल नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ा खेल है, इसलिए वहां विश्वास करना, वहां विचार मत करना। इसलिए माँ कहे कि ये तेरे पिता है, विश्वास करना, विचार मत करना कि मैं सोचूंगा विचार करूंगा, ऐसा नहीं, विश्वास। पांच लोग मिलकर के कहे कि ये उमराला गांव है, विश्वास करना, मैं विचार करूंगा, एक नक्शा लाऊंगा, देखूंगा कहां दूसरा गांव समाप्त होता है। नहीं, ये जिंदगी में बाहर में दुनिया के लोगों के, इन लोगों के सामने यदि जीना है, उनके साथ में जीना है, विश्वास करना, पूरी तरह से विश्वास करना। पर अंतर की अनुभूति की बात हो तब किसी पर विश्वास मत करना, गुरु पर भी मत, गुरु पर भी मत करना, तब विचार करना। इसलिए इसको मैं ऐसे ही कहता हूं कि यहां से मुझे एयरपोर्ट जाना हो और मैं किसी को रास्ता पूछूं, वो कहे कि पहले बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, सीधे जाओ, फिर दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, आ जाएगा एयरपोर्ट। मैं चला जाता हूं, मैं विचार नहीं करता उसकी बात पर, विश्वास करता हूं। और मैं कहूं तो कोई कहेगा मूर्ख हो क्या, वो कहता तो है, बताता है, तुम विचार क्यों करते हो, जाओ। और कोई भी व्यक्ति विचार नहीं करता, बताया कि चलने लगता है। ये बाहर की यात्रा होगी, बाहर की यात्रा विश्वास से होती है और अंतर की यात्रा विचार से होती है। और धर्म अंतर की यात्रा है, इसलिए वहां विचार की प्रधानता है। और इसलिए मैंने आज तुमसे कहा कि तुम तत्व विचार करना, विश्वास मत करना। तरह तरह की पुड़िया पकड़ा दिया जाती है ऐसे कि तुम इसको पी लो, तुम इसे पी लो। जैन घर में पैदा हुआ तो जैनों की पुड़िया, हिंदू घर में पैदा हुआ तो हिंदू की, विचार ही नहीं करता, परिणाम का पता ही नहीं। विचार करोगे तब जड़ मूल से वो विकृति निकलेगी, उसका मूल खोजोगे जब कि ये जो भाव अभी हो रहे, ये भाव के पीछे क्या क्या संबंध है, उसका मूल खोजो। तुम्हें इतना ही उपदेश दिया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, यही सिखा दिया, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और तुमने जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें याद आता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने सुना था, छोड़ो नहीं करना,
मगर ये गुस्सा आता ही क्यों है? उसका मूल कभी खोजने का प्रयास किया? और नहीं किया इसलिए तो गुस्सा आता है, तब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, फिर भी करते हैं, क्योंकि जब तक मूल से नष्ट न हो तब तक कुछ भी नहीं होता। विकृति का मूल खोजे, स्वरूप की जो बेहोशी है वो विकृति की उत्पत्ति का मूल कारण है। दमन नहीं, हमारा जो विकार है उस विकार का दमन होता है, क्योंकि विचार नहीं होता और विचार के बिना विकृति अंदर में दब जाती है, पता ही नहीं चलता। निरीक्षण, उसका निरीक्षण, असल तब पता चले। सीआईडी का काम ही यह है, तुम सीआईडी ऑफिसर बन जाओ। किसी ने हत्या की किसी की, सीआईडी वाला उसको पकड़ेगा नहीं, सीआईडी वाला पकड़ने का उसको अधिकार नहीं, उस चुपचाप देखेगा, अभी नहीं पकड़ेगा, देखेगा फिर उसके पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि अभी पकड़ ले तो इसकी पूरी जो गैंग है, उसकी पूरी गैंग, उसका लीडर कौन है वो पता ही नहीं चलेगा। वो चुपचाप देखता है, उसके पीछे पीछे जाता है, फिर वो कहां मुड़ता है, फिर और आगे कहां गया, और उसके अड्डे तक पहुंच गया कि वहां तो ढेर सारे लोग थे उसके जैसे ही, और सब पकड़ में आ गए, और उसका लीडर पकड़ में आ गया जो इन सबको चलाता था। उस समय कुछ भी नहीं किया, गुस्सा आया, गुस्सा नहीं करना, मत करो ये सब। गुस्सा आया, ये क्यों आया, उसकी गहराई में तुम जाओ। जब तुम उतने गहराई में तत्व विचार करते हुए जाओगे, तब मूल को खोज पाओगे। और मूल मिल गया, नजर में आ गया कि कहां मूल है, फिर उसको छूटने में देर नहीं लगती। अनादि से यही तो हुआ है कि वो मूल ही कारण जानने में नहीं आया, मूल कारण जानने में नहीं आया। तत्व विचार कर, गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था जीव पर संयम पाने का, रस छोड़ो, और उसके लिए वे क्या करते थे, भोजन जो बना हो, भोजन के साथ में नीम की चटनी, नीम के जो पत्ते हैं, लिमड़ाना पत्रा इतला कड़वा, एनी चटनी बनावता अने ये खावामां बधामां नाखे, अने एवी रीते के बधुं कड़वू थई जाय, मने रस ज नथी। मगर ऐसे इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता। उसमें भी कहीं ना कहीं रस, एक एक बटकू लेता ने, एक एक कोर लेता, तो एनी साथे कड़वी चटनी अने पछी शाक ने रोटली एवी रीते करी, पछी थोड़ी चटनी, पछी पाछो एक कोळियो ले एमां कड़वी चटनी, मने रस नथी हवे। अंत तक वो रस पड़ा रहा, कि जिसे रस नहीं उसे कड़वा करने की भी जरूरत क्या है, कड़वा वो भी एक रस हो गया, उस रस का भी एक रस हो गया, कड़वा चाहिए। अब कड़वा नहीं होगा तो चैन नहीं पड़ेगा, कड़वा तो चाहिए। और एक बात बहुत मजे की बात घट गई, लुई फिशर आया था उनके पास, और वो परदेशी, और उसने देखा कि कड़वी चटनी और गांधी जी एक एक कोर को ले रहे हैं और खा रहे, तो उन्होंने थोड़ी ली और खाई तो इतनी कड़वी कड़वी लगी,
इनको तो झटका लगा कि ये भोजन का क्या हाल कर दिया, इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन है और उसमें ये नीम की कड़वी चटनी डाली है। मगर वो कुछ बोले नहीं, लुई फिशर कुछ नहीं बोला उस समय। परदेश में ऐसा अक्सर होता है, वो लोग ज्यादा किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते। उन्होंने सोचा कुछ उनका रीति रिवाज होगा, कोई परंपरा होगी, कोई ना कोई उसके पीछे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कोई कारण होगा, चुप रहना बेहतर है। लुई फिशर चुप रहा, मगर एक एक कोर के साथ में वो नीम की चटनी खाना उनको ठीक नहीं लगा, खाना जाता ही नहीं। तो उन्होंने ये नक्की कर लिया कि अब तो एक एक कोर के साथ में ये चटनी खाना, गांधी जी इतनी सारी ढेर सारी चटनी रख देते हैं और पूरा खाना बिगड़ जाता है, तो एक काम करूंगा, आज भोजन चालू होने से पहले जितनी चटनी है उसको पानी के साथ में गुला मिला करके पी जाऊंगा, बाद में तो भोजन शांति से कर सकूं। और उन्होंने ऐसा ही किया कि जितना था तो उसमें भोजन तो सब था मगर स्वादिष्ट भोजन था, उसने पहले ही चटनी को लिया, चटनी को पानी के साथ में पूरा गुला मिला करके उसने पी लिया। गांधी जी ने देखा, गांधी जी को पता चला कि इनको चटनी अच्छी लगी है, उन्होंने और चटनी डाली। उसने अपने देश में जाकर के गांधी जी पर एक किताब लिखी, इंद्रियों को जीतने के बारे में, ऐसे नहीं जीता जाता, तुम कारण को जानो, ये क्यों होता है, पाप तत्व विचार करके, विचार से ही तुम्हें पता चलेगा, तत्व विचार कर, उसके कुछ गहरे रहस्य है। हे ज्ञान दीपक, किसी की वाणी को भी हा में हा मत मिला देना, तुम अंतर में विचार करना और अनुभव से निर्णय करना, प्रत्येक ज्ञानी का स्वयं का अनुभव ही प्रमाण है, अनुभव ही प्रमाण है, ज्ञानी स्वयं प्रमाण। आप समस्त परमात्मा होंगे, मुझे तत्व विचार करने का अवसर दिया, क्योंकि आपसे मुझे कुछ कहना हो तो मुझे विचार तो करना होगा और उस विचार से मेरी आत्म जागृति में जो भी वृद्धि हुई उसमें आप निमित्त बने। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।